नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं गंजना। इन से डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को हल्द्वानी से उत्तराखंड बचाओ यात्रा शुरू की। प्रदेश अध्यक्ष अनूप नौटियाल और प्रदेश प्रभारी विवेक यादव ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले चरण की यात्रा का 29 अप्रैल को हल्द्वानी में ही समापन होगा। प्रदेश अध्यक्ष अनूप नौटियाल ने कहा कि भाजपा कांग्रेस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। दोनों पार्टियों को राज्य के विकास से कोई मतलब नहीं है। विधायकों की खरीद फरोख्त कर अपनी कुर्सी बचाने की जुगत कर रही है। इनका चेहरा सबके सामने है। इस मौके पर उमा सिसोदिया, सुरेश बुडम कोटी, ओपी मिश्रा, आरडी खान, दीवान सिंह नयाल, थार सिंह नेगी, नवीन जोशी और अजय शर्मा मौजूद रहे। कांग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बेहतर नेता मानने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें अभी और सीखने की जरूरत है। इसके साथ ही भारद्वाज ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि 2007 में यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यूपी की मुलायम सिंह यादव सरकार को गिराना चाहती थी। कांग्रेस अपनी ही पार्टी के हंसराज भारद्वाज के बयानों से परेशानी में पड़ती दिख रही है। एक तरफ जहां राहुल गांधी पर बोलते हुए भारद्वाज ने कहा, मैं नहीं मानता कि राहुल बेहतर नेता है, उनको अभी संसद में सीखना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए लगातार कांग्रेस के निशाने पर रही बीजेपी को पलटवार करने के लिए एक हथियार भी दे दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो चाहते हैं कि ऑड इवन फेल हो जाए। शनिवार की सुबह ट्वीट करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी लोगों से कह रही है कि वो ऑड इवन को न माने। केजरीवाल ने राज्यसभा में बीजेपी सांसद विजय गोयल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया है। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और सांसद केशव प्रसाद मौर्य को लेकर सोशल मीडिया पर शुक्रवार को वायरल हुए विवादित पोस्टर पर काशी का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विवादित पोस्टर सोशल मीडिया पर उस समय वायरल हुआ जिस समय भाजपा के स्थानीय नेता मौर्य के पहली बार वाराणसी आगमन पर उनके स्वागत की तैयारी कर रहे थे। रंग बिरंगे इस पोस्टर पर लिखा है, रक्षमाम केशव। बीच में सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण के रूप में मौर्य को दिखाया गया है। बीच में उत्तर प्रदेश के रूप में चित्रित ऐसी बेबस स्त्री जिसका गैर भाजपा नेता चीर हरण कर रहे हैं। बाएं कोने में ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तस्वीर है। नीचे लिखा है, कलयुग में केशव केवल उपदेश नहीं देते, युद्ध भी करते हैं। इस बीच रात करीब 9:30 बजे समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल की तहरीर पर कोतवाली थाने में रूपेश पांडे और अन्य के खिलाफ आईटी एक्ट सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए शुक्रवार शाम चुनाव प्रचार थम गया। दूसरे चरण में 17 अप्रैल को उत्तरी बंगाल के 6 जिलों समेत कुल 7 जिलों के 56 विधानसभा क्षेत्रों में मत डाले जाएंगे। इस चरण में उत्तरी बंगाल के अलीपुरद्वार के 5, जलपाईगुड़ी के 7, उत्तरी दिनाजपुर के 9, दक्षिण दिनाजपुर और दार्जिलिंग के 6 और मालदा के 12 विधानसभा क्षेत्रों में मत पड़ेंगे। दक्षिणी बंगाल के एकमात्र जिला बीरभूम के 11 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकारी बंगले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा कहे कि हम इतना ज्यादा किराया नहीं भर सकते। 14 साल पहले वाजपेयी सरकार के दौरान ऐसा ही हुआ था। तब लुटियंस दिल्ली स्थित एक बंगले के लिए सरकार ने 53,421 रुपए बतौर किराया तय किया था। तब प्रियंका ने कहा था कि इतना ज्यादा किराया देना हमारे वश में नहीं है। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला का दूसरा संस्करण शुक्रवार से शुरू हो गया है। शुक्रवार को रामनवमी होने के कारण भीड़ कम नजर आई, परंतु लोगों ने ऑड इवन योजना तथा सार्वजनिक परिवहन के साधनों में कमी होने की शिकायत की। नियम का पालन नहीं करने पर प्रति वाहन 2,000 रुपए की रसीद काटी गई। स्कीम के पहले दिन ही दिल्ली में 511 कारों का चालान काटा गया। ऑड इवन फॉर्मूले का दूसरा चरण 30 अप्रैल तक चलेगा। वहीं रामनवमी से इस चरण की शुरुआत करने पर विश्व हिंदू परिषद ने इसका विरोध किया है। इस सम विषम योजना के तहत 30 अप्रैल तक सभी चौपहिया वाहन सुबह 8 से शाम 8 तक निर्धारित वाहन पंजीकरण नंबर के हिसाब से ही चलेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ, और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMSTV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डेंगू फाइटर और मैंने अपने घर में इंसान के सबसे बड़े दुश्मन मच्छर को हराया है। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी जंग जीती कैसे, तो आइए बताता हूँ। डेंगू मच्छर के काटने से होता है और पानी ठहरेगा जहाँ मच्छर पलेगा वहाँ। इसीलिए उठाइए डेंगू के खिलाफ 5 बड़े कदम। 6
छत एवं घर के आसपास अनुपयोगी सामग्री में पानी जमा न होने दें। सप्ताह में एक दिन गमले, डिब्बे, बाल्टी, कूलर आदि का पानी खाली कर इसे सुखाकर भरें। कूलर में लगी पुरानी खस को जलाकर नई खस लगाएं। पानी के बर्तन को हमेशा ढक कर रखें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। बुखार के लक्षण आते ही शासकीय चिकित्सालय जाएं और निशुल्क उपचार पाएं। याद रखें, शीघ्र उपचार जान बचाएगा, विलंब घातक होगा। हमारी जिंदगी, हमारी।